वहीं उदयपुर के सबसे बड़े आस्था के केंद्र जगदीश मंदिर परिसर में शनिवार को फूलहरता का डांस हुआ है, जिसका वीडियो सामने आया है। इस मामले को लेकर के सबसे खास बात यह रही कि जिम्मेदारों को इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि काले रंग की ड्रेस पहनकर एक डांस ग्रुप मंदिर पहुंचा और फिल्मी गानों पर नाचने लगा। मंदिर में इस नृत्य के बाद वहां मौजूद भक्तों और पुजारियों में आक्रोश जताया है। लगातार ये तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं। पुजारी परिवार का कहना है कि जब ये डांस हो रहा था तब सभी आरती में व्यस्त थे, इसलिए उन्हें रोका नहीं गया। बताया जा रहा है कि यह डांस ग्रुप सरकार की स्माइल योजना के तहत फ्लैग मॉब बना रहा था, लेकिन देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त जतिन गांधी ने कहा है कि उन्हें और कहीं से स्वीकृति नहीं ली गई और तस्वीरों में देख सकते हैं, और इसी को लेकर के पूरा विवाद जो है ये सामने चल रहा है। पुजारी जगदीश मंदिर, सबसे पहले तो परमिशन की जब बात आती है तो मंदिर में पहले भी काफी शूटिंग हो चुकी है तो उसको परमिशन देवस्थान विभाग से लेनी पड़ती है। जब दो दिन पहले कृत्य हुआ मंदिर में तो उसकी कोई परमिशन उन्होंने ली नहीं थी। मेरे मम्मी जब मंदिर में बैठे थे तो वो दो जने आए थे लड़के, तो उन्होंने बोला था कि भिखारियों के लिए कुछ हमें करना है बाहर दो मिनट के लिए। ना तो उन्होंने ये बोला था कि ना तो ये बोला उन्होंने कि हम ये फिल्मी सॉन्ग चलाएंगे ना कुछ चलाएंगे, और मम्मी को बोल के चले गए और बाहर आकर उन्होंने फिल्मी सॉन्ग चालू कर दिए। मतलब और काले ड्रेस में लड़के लड़कियाँ बाहर डांस कर रहे हैं। जब भक्तों ने आके मम्मी को बोला तो मम्मी जैसे बाहर आए वो दो मिनट में अपना काम करके चले गए। अब वो पूरा दोष पुजारी के ऊपर डाल रहे हैं कि पुजारी ने परमिशन दी, जबकि यहाँ गार्ड भी तैनात थे, किसी से उन्होंने परमिशन नहीं ली। उसके बाद ये अखबार में दे रहे हैं कि पुजारी से परमिशन ली, वो पुजारी से कोई परमिशन ली क्योंकि उस समय पुजारी मंदिर में अवेलेबल नहीं था, क्योंकि पुरुष वर्ग में पुजारी होता है मंदिर में जो सेवा करता है, उस समय कोई अवेलेबल नहीं था क्योंकि उस समय ठाकुर जी के भोग का भी समय था और आरती का भी समय आ रहा था, तो ठाकुर जी की उसकी व्यवस्था में थे। उसके बाद इन्होंने ऐसा कृत्य किया और पुजारी पर ढोल रहे हैं, ये सही नहीं होगा। अगर ये यहाँ आकर क्षमा मांग लेते हैं नहीं तो पुजारी परिषद द्वारा थाने में रिपोर्ट दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। इस तरह के जो डांस या मंदिर में हुए हैं उसको वो सही बता रहे हैं, वो यूँ बोल रहे हैं कि हम गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो क्या सरकार किसी मंदिर में इस तरह की स्वीकृति दे सकती है? या जो उन्होंने किया फिल्मी गानों पर जलवा और इस तरह के गानों पर डांस किया उन्होंने, कितना गलत? आप खुद जानते हैं कि ये ठाकुर जी का मर्यादित मंदिर है, यहाँ मर्यादित भजन चलते हैं मंदिर में। जैसे अभी फागुन का महीना है तो फागुन के भजन चल रहे हैं, सारी ऋतुओं के भजन चलते हैं, इसके अलावा कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर ठाकुर जी के गीतों पर कुछ हुआ होता तो ऑब्जेक्शन नहीं था, उन्होंने फिल्मी डांस यहाँ चला है तो ये स्वीकार नहीं होगा, मतलब साइन नहीं होगा, और हम कानूनी कार्रवाई करेंगे अगर